जबलपुर के शहपुरा टोल नाके पर अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि गुरुवार दोपहर 1 बजे के करीब टोल कर्मी अपना काम कर रहे थे, इसी दौरान अज्ञात 2 दर्जन से अधिक बदमाशों ने आकर टोल कर्मियों के साथ विवाद करते हुए टोल नाके में जमकर तोड़फोड़ कर डाली, जिससे टोल में लगे 4 टोल कर्मियों को गंभीर रूप से चोटें आई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। सूत्रों की अगर माने तो टोल नाका पर टाइम लगने और पेमेंट काटने के कारणों के वजह से ये बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट पर शुरू हो गई और इसी क्रम में टोल प्लाजा में कितने बदमाशों के द्वारा पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा टोल नाके में लगे CCTV कैमरे फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग यहाँ पर आए थे, कितने लोगों ने तोड़फोड़ की है। वहीं पुलिस ने यह मामला थाना शहपुरा में दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। के आसपास ये टोल मैनेजर का कहना है कि कोई वाहन रैनी गांव का कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ इनकी छुटपुट फास्टैग को लेके विवाद हुआ होगा। उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास इनका कहना है कि करीब 100 की संख्या में लोग रहे होंगे, लड़के आए और टोल के अंदर घुस गए और गाड़ी भी तोड़ दी है और ऑफिस में तोड़फोड़ किए हैं, कुछ हथियार की भी बात ये कर रहे हैं। मौके पर थाना प्रभारी आई थी, जब्त कर ली है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का गुंडागर्दी में होगा, यहाँ तमाम CCTV लगे हुए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और गंभीर धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई होगी। देखा कि कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग जो हैं वो कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो जिस पर उन लोगों को थाने लेकर आए हैं और टोल नाके के जो कर्मचारी हैं उनके साथ कुछ मारपीट किए हैं और टोल नाके पर भी तोड़फोड़ किए हैं। वैधानिक धाराओं में FIR की गई है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। करीब कितने लोग का नाम आ रहे हैं? करीब 5-7 लोग बता रहे हैं, अभी तक 5-7 लोग बता रहे हैं कि 5-7-10 लोग के करीब करीब। ये कहाँ के थे मैडम ये लोग? ये शहपुरा के आसपास के किसी गांव के हैं, बाहर के ही थे। ये गाड़ी विवाद का कारण क्या रहा है? पूर्व में गाड़ी निकलने की बात को लेकर कुछ देर 10-15 मिनट गाड़ी चूंकि इनकी रुक गई थी अनावेदक पक्ष की, और उस पर से विवाद हुआ था, गाड़ी निकालने की बात को लेकर विवाद हुआ था और फिर पलट कर ये 8-10 लड़के आए और फिर उन्होंने कंट्रोल में है। हाँ, अब सब चीज़ें